एक कहावत मेरा पापा अक्सर बोलता था, अक्सर। अब मुझे मुझे नहीं पता उन बातों का क्या असर पड़ा होगा, क्या नहीं पड़ा होगा। बोला एक बार एक छोटा सा बच्चा था और उसकी दादी थी घर में, और कोई भी नहीं था। वे गेहूं की बाली चुगने जाते थे, गेहूं काटने की गुंजाइश उनकी नहीं थी। तो गेहूं जैसे बाल गिर गई तो शिल्ला बोलते हैं, शिल्ला चुगने जाते थे। अब हर रोज जो शिल्ला चुगने जाते, तो अभी जो कुछ दिनों बाद अब गेहूं कटेंगे, तब वो शिल्ला गिरेगा। शिल्ला गिरेगा तो आधे अप्रैल के बाद या मई में गिरेगा। अब आधे अप्रैल के बाद अगर जो वहां चुगने जा रहे हैं सुबह शाम ठीक है, लेकिन दोपहरी में भी चुगना पड़े तो। अब वो दादी जो है उस बच्चे को कह रहे, अरे बेटा ये बाली चुगले। बोला अम्मा धूप लगे। बोला अरे बेटा चुगले। बोला अम्मा धूप लगे। बोला रे धूप तो निभ जाएगी, आगे तेरे को दिक्कत आएगी, लेकिन माने कौन। तब तो थोड़े से चुग के ले गए, थोड़े से अपने गेहूं निकाले, उनको बाल को पीट के पीस के अपना रोटी बनाई और खा ली। थोड़े दिनों में वो बाली खत्म। जंगलों में बरसात हुई, पानी भर गया। बोला अम्मा भूख लगा। बोला रे बेटा पहले ही कही थी तेरे को कि बाली चुग ले। बोला अम्मा कहाँ मिले वे बाली, तू बता दे। बोला रे बेटा अब कहाँ मिला, अब तो जंगलों में पानी भरा, तो अम्मा बता दे बस कहाँ है, डुबकिया मार मार के निकाल लाऊंगा। तो भाई फिर तुम जो ना डुबकिया मार मार के निकाल लाओगे, उस मजबूरी का एहसास तुम्हें नहीं है अभी। जब तक घर वाले पैसे देते रहते ना, तब तक ये एहसास नहीं होता। कुछ लोगों के साथ ये होने लगता है, पढ़ते मारे बस के ना, फीस देना, ये करना, वो करना। ठीक है थोड़े थोड़े इंडिपेंडेंट बने, दो चार ट्यूशन पढ़ाई, अपना खर्चा निकाल लिया, एक लाइन ठीक चलती है 20, 21, 22, 23 साल की उम्र तक की। जब तक परमानेंट नहीं मिलती है तब तक अपना खर्चा निकाल रहा है, लेकिन 22, 23 भी क्रॉस कर लिया और तब तक भी तुम्हारा खर्चा निकल रहा, फिर मामला गंभीर है। हाँ या ना। अब और जो कितनी बातें जो बताई जा सकती है, अब जिंदगी रोज तजुर्बे और ये सारी बातें ऐसे ही चलती हैं, वहां मामला फिर गंभीर होता है। मैं ये जितनी बातें यहां पर बताता हूं तो बहुत सारी चीजों के, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस के साथ हर एक बात बताता हूं यहां पर। मेरी एक छोटी सी कही हुई बात कितने लाखों बच्चों को खराब कर सकती है, कितने घरों का मामला बिगड़ सकता है। बहुत जिम्मेदारी के साथ यहां खड़ा होकर के एक एक बात बोली जाती है। इन बातों को तुम ऐसे करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, और कभी भी कोई सवाल पूछे और उसके ऊपर तुम हंस रहे हो तो मामला गंभीर है।